गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइकेंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैं जनरल कैरेक्टर्स और इसके थेलस के बारे में और इसके और इसमें जो पाए जाने वाले विशिष्ट संरचनाएँ फाइकोबायंट और माइकोबायंट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एनवायरमेंट में सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली इफेक्ट शो करने वाला एक स्पेशल टाइप का ये प्लांट होता है लाइकेन, जिसमें पहले भी हमने पढ़ा था कि ये एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले पोल्यूशन उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। इसके अलावा और भी हम इसके जो कैरेक्टर हैं जो कि लाभदायक बेनिफिशियल एक्टिविटी शो करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइकेन्स आर द पायनियर्स ऑन रॉक वेजिटेशन। लाइकेंस जो है वो क्या करते हैं, पायोनियर्स ऑफ रॉक वेजिटेशन का कार्य करते हैं, चट्टानी वनस्पति के पुरोगामी होते हैं। लिथोसेयर, जिसको सेल अनुक्रमण की प्रक्रिया कहते हैं, लिथोसेयर की प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें लाइकेन कोलोनाइजर होते हैं, प्रथम उपनिवेशी होते हैं। इस जो प्रोसेस में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी में लाइकेन पायोनियर वेजिटेशन, क्रुस्टोस जो लाइकेन होती है वो पायोनियर वेजिटेशन के रूप में उत्पन्न होती है, एवं इस प्रकार के सक्सेशन की क्रिया को, ये जो है वो सक्सेशन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे हाइड्रोकार्बनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनका सीक्रेशन करके क्रुस्टोज लाइकेन इन चट्टानों के विदरण, जिसको बोलते हैं वेदरिंग, का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। इसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है तथा पादप अनुक्रमण की जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो आगे बढ़ती है। लेसिडिया एवं राइजोकार्पोन आदि कुछ लाइकेन प्रजातियां हैं जो सेल अनुक्रमण में पायोनियर प्रजातियों का कार्य करती है। तो लाइकेन है पायोनियर ऑफ रॉक वेजिटेशन का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद में है लाइकेन इनिशिएट्स जियार्क टाइप ऑफ प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक। जैसे हमने इसमें पहले हमने चर्चा कर ली कि लाइकेन जो है वो रॉक जो चट्टान है उन पर प्लांट्स का सक्सेशन का कार्य करता है। लाइकेन एसिड कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू सोइल पार्टिकल्स, ये भी हमने चर्चा कर ली। सम लाइकेन्स आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, दे एक्ट्स एज इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जो वायु प्रदूषक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। वायु प्रदूषण के प्रति लाइकेन अत्यंत सेंसिटिव होता है, विशेषकर SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति को ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, तथा वातावरण में SO2 की सांद्रता बहुत अधिक हो जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती, लाइकेन वहाँ से गायब होने लगते। अतः किसी क्षेत्र विशेष में लाइकेन की आबादी में धीरे धीरे आने वाली कमी वायु प्रदूषण का सूचक होती है। यदि पहले जहाँ पर जिस वातावरण में लाइकेन उपस्थित हो और वहाँ पर वो गायब हो जाए, यानी वहाँ से वो धीरे धीरे डिके होने लग जाए, डेथ होने लग जाए, तो इसका मतलब वहाँ पे वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर लाइकेन होती है। क्लेडोनिया रेंजी फेरिना विच इज लग्जूरियसली ग्रोज इन पोलर रीजन्स एक्ट एज द फूड सोर्स फॉर सम एनिमल एज रेंडियर्स। क्लेडोनिया नामक लाइकेन है वो बहुत अच्छा भोजन का सोर्स होता है। ये जो है वो आइसलैंड में जब अकाल एवं अभाव की स्थिति होती है तब मनुष्य इसको भोजन के रूप में यूज करता है। कुछ अन्य जो लाइकेन है, लेकोनेरा एस्कुलेटा, पार्मेलिया, अम्ली केरिया तथा सिट्रेरिया आइसलैंडिका आदि विश्व के डिफरेंट डिफरेंट भागों में भोजन के रूप में यूज़ की जाती है। मिस्र में एवर्निया पुनास्ट्री नामक लाइकेन का उपयोग बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। एंडोकार्पोन मिनिएटम, जिसे जापान में स्टोन मशरूम भी कहते हैं, सब्जी के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। दक्षिण भारत में पार्मेलिया की जातियाँ जैसे रथापू उथार सीला पुष्प रोक फ्लावर जिसको कहा जाता है, इसको सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। लाइकेन में
स्टार्च और सेलुलोज का अभाव होता है, लेकिन इसमें लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के जो तनु घोल में, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के तनु घोल में से डुबोने से उसका कसेलापन दूर हो जाता है। इसके बाद इसे सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है और इसका उपयोग सूप तथा अन्य डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है लेके नोरा इज कंज्यूम्ड एज फूड बाय ह्यूमन। लेकोर्ना जो हमने बात कर ली, ये इस लाइकेन का नाम है जिसको ह्यूमन के द्वारा खाया जाता है। पेल्टिजेरा कैनिना एंड लोबेरिया पल्मोनेरिया आर मेडिसिनल। ये जो है वो मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। पेल्टिजेरा कैनिना डोग लाइकेन जिसको कहा जाता है, इसका उपयोग हाइड्रोफोबिया रोग के इलाज में किया जाता है। लोबेरिया पल्मोनेरिया जिसको लंग वर्ट कहा जाता है, इसका उपयोग फेफड़ों की बीमारियों के उपचार एवं श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं उसमें एवर्निया फरफेशिया का उपयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। और जेंथोरिया पेरिटिना का उपयोग पीलिया के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिट्रेरिया आइसलैंडिका, एस्निया एवं क्लेडोनिया के पादप शरीरों से अस्निक नामक एसिड प्राप्त होता है जिसमें प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं, तथा इसको जलन एवं घाव के मरहम तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। एक अन्य जाति जैसे अस्निया बारबेटा का उपयोग बाल मजबूत करने के लिए तथा मूत्र जो यूरिन से रिलेटेड बीमारियां हैं उसके उपचार में किया जाता है। पार्मेलिया सेक्सेटिलिस का उपयोग मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है। इसके लिए पार्मेलिया इज यूज्ड एज ए स्पाइस और कॉन्डिमेंट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। पार्मेलिया का जो यूज़ है स्पाइस और मसालों में भी किया जाता है। इंडिया के कुछ भागों में इसको मसाले और कॉन्डिमेंट में भी यूज़ किया जाता है। रोसिला एंड लेकोनोरा इल्ड डाई कार्ड ऑर्किल और ओरिसिन और कडबियर विच आर यूज फॉर कलरिंग वुलन एंड सिल्क फैब्रिक्स। कुछ जातियां जैसे सिट्रेरिया आइसलैंडिका के जो पादप शरीर है उससे प्राप्त लेकोरिक अम्ल एवं कार्बोनिक अम्ल को चर्म शोधन में भी यूज किया जाता है। टैनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। और अन्य जाति जैसे रोसेला टिंक्टोरिया से कपड़ों को रंगाई के लिए, बैंगनी रंग एवं अम्ल तथा क्षार की जांच के लिए लिटमस इससे प्राप्त किया जाता है। और जबकि इससे प्राप्त अन्य जो डाई है आर्सिन गुणसूत्रों के अभिरंजन में भी काम आती है। किससे? रोसेला टिंक्टोरिया से जो प्राप्त डाई है उसको आर्सिन, इससे प्राप्त जो डाई है रंजक है आर्सिन, इसको क्रोमोजोम के स्टेनिंग में भी इसको काम में लिया जाता है। ऑर्सिन इज ए एक्सेसिवली यूज्ड क्रोमोजोमल स्टेन। इट इज यूज्ड फॉर द ओ बेंडिंग ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर ओ बेंडिंग पाई जाती है जिसको ऑर्सिन जो नामक डाई किससे प्राप्त होती है? रोसेला टिंक्टोरिया से। इसको ऑर्सिन को क्रोमोजोम के स्टेनिंग में भी काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा क्रोमोजोम की बेंडिंग, उनको भी हम स्टेनिंग करते हैं तब जाके उसमें बेंडिंग प्राप्त होती है। तो ये ओ बेंडिंग प्राप्त करने के लिए इस आर्सिन डाई का यूज़ किया जाता है। लेबोरिया पल्मोनेरिया इज यूज्ड इन टैनिंग परफ्यूमरी इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज एज हॉप इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। किण्वन एवं आसवन उद्योग जिसको बोलते हैं। अस्निया फ्लोरिडा, क्लेडोनिया रेंजी फेराइना, रेमालिना फ्रैक्सिनिया एवं एवर्निया प्रूनेस्ट्री जैसे लाइकेन जातियों से स्वीडन एवं रूस में शराब बनाई जाती है। लोबेरिया पल्मोनेरिया को किस में यूज किया जाता है?
ब्रीविंग में, ब्रीविंग बोलते हैं किण्वन को, किण्वन की क्रिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको क्या बोलते हैं, आसवन उद्योग की क्रिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लोबेरिया पल्मोनेरिया को किण्वन के द्वारा इससे बियर बनाई जाती है, और लाइकेनों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लाइकेनिन पाया जाता है जिसके कारण किण्वन की क्रिया होती है। यानी लाइकेन्स के अंदर लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे लोबेरिया पल्मोनेरिया नामक लाइकेन को किण्वन की क्रिया के द्वारा बियर बनाई जाती है। इसके अलावा कुछ इसके और भी लाइकेन के और भी यूज़ है। लाइकेन के शैवाल घटक में जो फाइकोबायंट है उसमें, सॉरी माइकोबायंट, उसमें उपस्थित नील हरित शैवाल, फाइकोबायंट में नील हरित शैवाल जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, सीमित मात्रा में अपने इकोसिस्टम को नाइट्रोजन पदार्थ प्रोवाइड करवाती है। लेकोनोरा एस्कुलेंटा से कैल्शियम ऑक्सीलेट प्राप्त होता है। लाइकेनिन नामक शर्करा की उपस्थिति के कारण लाइकेन के चूरे को उबालने पर एक गाढ़ा म्यूसिलेजिनस घोल बन जाता है। इसका उपयोग कल्चर मीडियम के रूप में भी किया जाता है जिसमें कवक एवं जीवाणु के संवर्धन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लाइकेनिन नामक शर्करा की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाइकेन के चूरे को उबाल कर एक गाढ़ा म्यूसिलेजिनस घोल बना लिया जाता है और इस घोल से कल्चर मीडिया बनाया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट फॉरेस्ट, इसके अलावा जैसे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं लाइकेन के अंदर, फॉरेस्ट फायर, दावानल जिसको बोलते हैं, जैसे गर्मियों में अस्थियां का थैला सूख जाता है और अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता है, अतः इसमें आसानी से आग लग जाती है जिसके फलस्वरूप जंगल के अन्य जो ट्री और अन्य अदर जो प्लांट्स है वो आग पकड़ लेते हैं और आग फैल जाती है। जो उसनिया क्या करता है, आग फैलाने का कार्य करता है। टॉक्सिसिटी, विषालुता, कुछ लाइकेन जातियां जैसे लेथेरिया वल्पिना एवं सिट्रेरिया जूनिपेरना में एक विषैला पदार्थ पिनोएस्टिक अम्ल पाया जाता है, अतः इन लाइकेन प्रजातियों को खाने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरा है वनस्पति विनाश, डैमेजिंग द वेजिटेशन, कुछ लाइकेन जैसे क्लेडोनिया एवं एम्फिलोमा के प्रसार से मॉस प्रजातियों के पौधे, मॉस क्या है, ब्रायोफाइट्स, एवं असनिया के वृक्ष की छालों पर उगने से क्या हो जाते हैं, जो ट्रीज है वो नष्ट हो जाते हैं। इमारतों को हानि, डैमेजिंग द बिल्डिंग, आर्द्र व नम क्षेत्रों में अनेक लाइकेन जो है वो खिड़कियों व दरवाजों की चौखटों, सीमेंटों की दीवारों एवं संगमरमर के फर्श पर उग जाती है। इनके इनके पादप शरीर से सीक्रेट जो अम्ल है उनके कारण इनको हानि होती है। तो इस तरह से लाइकेन से अधिकतर लाभ है और कुछ हानियां हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय।